हाय एवरीवन, वेलकम टू जीके केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, कंडक्टेंस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करा हुआ है, उसे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे ना मैंने कुछ मेल्स देखे थे कि मैम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दो जून के एग्जाम के लिए। तो देखो, मैंने ना ऑलरेडी पहले से वीडियो बना, मतलब पहले बनाई थी लास्ट ईयर, लास्ट वाले सिक्स मंथ में जब हमने दिसंबर की प्रिपरेशन आप कर रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने वो वाली स्ट्रेटेजी बनाई दिसंबर के लिए। बट अभी भी वो एप्लीकेबल है क्योंकि एग्जाम तो सेम ही है ना, हमें फिर से छह महीने मिले प्रिपरेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं ना आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, काफी पुरानी वीडियो हो गई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप अपनी प्रिपरेशन में डाल सकते हो, कुछ हेल्प हो जाएगी। उसमें मैंने चैप्टर्स को भी डिवाइड किया था। अच्छा, सिर्फ एक बात और बोलना चाहूंगी, मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ दो सब्जेक्ट के ऊपर लाइक करके मजा आएगा, क्योंकि हमने सोचा कि सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके चलेंगे, ऑर्गेनिक छोड़ देंगे। तो ना आज का जो पेपर जैसा बनता है ना, आप देखोगे ना लास्ट के दो या तीन बार से जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं आप देखोगे उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रखा है। पेपर है जैसे आपने लास्ट वाला एग्जाम देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर ऑनलाइन हुआ था तो पेपर का पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ। मतलब ना क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टॉपिक से उठाए गए थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ईजी था। तो प्रॉब्लम कहां पर आई, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत इजी थे। अगर आप ऑर्गेनिक छोड़ के चले गए हो, बिल्कुल इजी वाला पोर्शन भी आप नहीं कवर कर पाओगे। ऐसे मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपको लग रहा है कि आपके दो ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, आप दो ही करवाओगे, थर्ड तो आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो उसको ना एकदम ऐसे छोड़ के बचाओ। कुछ ना कुछ आपको उसका भी पढ़ना है, कम से कम 30-40% कवर करके जाओ, वरना पेपर निकालना सच में टफ हो जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो, और वरना मैंने कुछ कंपेयर किया था कैसे कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, क्या दो से आपका पेपर निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, क्योंकि वापस से वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पोस्ट में डाल दूंगी कम्युनिटी में, आप वहां से लिंक लेके देख सकते हो। आप स्टार्ट करते हैं अपना कंडक्टेंस वाला पोर्शन। आज हमें पढ़ना था क्या, लास्ट में हमने देखा लास्ट वाली वीडियो में कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इन जनरल क्या होती है ना। तो वहां से कंटिन्यू करते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। अच्छा, एक चीज और माइंड में आ रही है, वो ये कि बीएआरसी का एग्जाम बहुत पास है, आप ना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए पूछे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मांग रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं होते, बीएआरसी के साइट पे नहीं आते हैं। मैंने लास्ट ईयर की एक वीडियो बनाई जिसमें 60 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे आउट ऑफ 100, आपने वो देख लो, आपको आइडिया देगा क्वेश्चन किस तरह से आते, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको थ्योरी तो करवा देती, फॉर्मुला मैंने लिखवा दिया, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पहले आपको फॉर्मुले पता होने चाहिए, फॉर्मुले तो पता चल गए, अब ना जब तक अप्लाई नहीं करके देखोगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर नहीं होने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। मैंने बोला इसके लिए ना जो केएल कपूर बुक है ना अपनी, केएल कपूर बुक खोलना अपनी फिजिकल केमिस्ट्री वाली, ठीक है, उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना कंडक्टेंस वाले क्वेश्चन सारे लगा लो, बस सफिशियंट होगा, थोड़ा प्रीवियस ईयर करना, चैप्टर खत्म। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। सो मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, है ना। तो इसका एक ग्राफ बनता है कंसेंट्रेशन के साथ, डाइल्यूशन का मतलब है कि कंसेंट्रेशन को आप डिक्रीज करे जा रहे हो करे जा रहे हो, ठीक है, कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करना है। तो क्या होता है, अगर हम दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होते हैं, कौन से, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन, कौन सा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, पार्शियली डिसोसिएट होता है ना। अगर हम इसको देखते हैं इसका वेरिएशन डाइल्यूशन कैसा होगा, तो देखो एक बात तो ये है कि डाइल्यूशन के साथ ना मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी, दोनों ही केसेस में मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, देखो मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट चाहे आपका स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हमें ना उसका 1 मोल ही लेना है, मोलर मतलब हम 1 मोल ही लेते हैं उसका, ठीक है। अब हमें पता है कंडक्टेंस डिपेंड एक्चुअली करते हैं आयंस के ऊपर, तो अगर हमने बोला, अगर हमने फिक्स ही कर दिया कि यहाँ पे भी 1 मोल है ये भी 1 मोल है, तो डाइल्यूशन से इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्या डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस में से ऐड हो जाएंगे, तो बात ऐसी है कि बाहर से तो ऐड नहीं होंगे बट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। तो अब ये बात आती है कि 1 मोल में आयंस तो फिक्स हो गए, इंक्रीज कैसे कर रहे हैं डाइल्यूशन के साथ, तो देखो दो रीजन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का अलग रीजन होता है, वीक का अलग रीजन होता है। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ना, तो क्या होगा, देखो मान लो हमने ना HCl ले लिया, मान लो NaCl ले लिया हमने, NaCl को जैसे ही डिजोल्व करा हमने सपोज वाटर में, तो क्या होगा, अब ना डिजोल्व तो हो गया, Na+ प्लस और Cl- अलग अलग तो हो गए, लेकिन फिर भी क्या होगा, Na+ प्लस अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, फिर भी क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी है,
कैटायन और एनायन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी होगी, और अगर अट्रैक्शन है तो क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे ये। अब ना जैसे आप कर रहे उसको डायल्यूट कर रहे हो, डायल्यूट करने का मतलब क्या है, उसमें और सोलवेंट एड कर रहे हो। सपोज करो पानी आप एड करे जा रहे हो ऊपर से पानी एड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब ना आयंस तो है, मान लो हमारे पास पहले ना एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस थे, अगर ये मतलब वन मोल हमने लिया तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएट हो गए हमारे पास, इतने हमारे पास क्या है एन ए प्लस, नहीं गए सेल माइनस, तो पहले से अवेलेबल तो थे। अब जैसे हम ऊपर से एड करो सॉल्वेंट एड करे जा रहे हो तो क्या होगा, इनमें स्पेसिंग बढ़ेगी, कैटायन और एनायन जो है वो दूर दूर होंगे, तो अगर दूर दूर होंगे तो क्या होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब इनके बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जाएंगे, जैसे जो अपना सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होता जाएगा, तो क्या होगा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट होगी। तो अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट होगी तो कैटायन में और एनायन में डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो ये मूव करना शुरू करेगा, फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेगा हमारे पास, ठीक है, मतलब फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेगा मतलब क्या, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कंडक्टेंस क्या होती है, हमारे पास फ्लो ऑफ आयंस ही तो है, तो क्या होगा एक तरह से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, अब ये ज्यादा अच्छे से फ्लो कर सकता है या फिर मूव कर सकता है, उसकी वजह से क्या होगी कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो स्ट्रोम एटलेटिक केस में ग्राफ कुछ ऐसा सा आता है, ये ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट हमने एमएससी में भी आपने करा होगा, हो सकता है करवाना गया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम यही मेजर करते हैं मोलर कंडक्टेंस को हमारी कंसंट्रेशन के साथ डायल्यूट कर करके ना फिर देखते हैं वैल्यूज कैसा, तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये किसका केस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। रीजन क्या हुआ इंक्रीज करने का, रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया ड्यू टू डायल्यूशन, ओके। उसके बाद आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड की C3COOH, तो इंक्रीज तो इसकी भी करती है मोलर कंडक्टेंस, इंक्रीज तो इसकी भी करते हैं, कैसे इंक्रीज करती है, कुछ इस तरह से इंक्रीज करते हैं, कुछ ज्यादा ही कर हो गया वैसे, कुछ इस तरह से इंक्रीज करती है, ठीक है, इस तरह से। तो रीजन क्या होगा इसका, इंक्रीज तो ये भी करे, इंक्रीज ये भी करे, इसका इंक्रीज का रीजन क्या हो सकता है, यहां पर ना विद डायल्यूशन क्या इंक्रीज होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अपने लास्ट क्लास में सिखाया था, समझाया था ना, ऐसे करते मान लो एसिडिक एसिड हमारे पास है, हमने वन मोल ही ऐड करी है, अब ना ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती, कुछ जो है इक्विलिब्रियम में रहते, मतलब ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम में रहती है हमारे एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में। तो हमने ये मान लिया कि स्टार्टिंग में ना मान लो टोटल इसके ना 10 इसके पास मॉलिक्यूल्स है, सपोज ऐसे समझ लेते हैं सिर्फ, तो स्टार्टिंग मान लो हमारे पास दो ये बने, बाकी कितने बचे, 8 तो भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रह गए, 8 अभी भी बचे हैं, तो क्या होगा, जैसे आपने थोड़ा डायल्यूट करा तो मान लो 7 हो गए होंगे, 1 हो गया, उसके बाद 6 हो गए होंगे, 5 हो गए होंगे, 4 ऐसे क्या हो गए, आयंस बनते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कैसे मतलब वो कितना परसेंट वो डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट कर रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या इंक्रीज करता जाएगा, तो विद डायल्यूशन यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं। इस वाले केस में वीक इलेक्ट्रोलाइटिक केस में हमारे पास नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीज करते, तो ये रीजन होते हैं दोनों भी इंक्रीज करने की। अब ना बात ये आती है, इस वाले केस में अगर मुझे ये निकालना हो कि जो अपने पास ये है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक केस निकालेंगे, इस वाले केस में क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमारे पास है तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, स्केल लेंगे एक्स्ट्रापोलेट करके यहां तक जोड़ देंगे इसको, ये वाला पॉइंट क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे ये हमारे पास है इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब देखो इस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी है अभी, तो प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब तो ये होगा कि एक भी आयन नहीं बचा हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करे। आप एक बार बताओ, आप 1 लीटर में 10 लीटर में मान लो, फिर 100 लीटर में मान लो, 100 लीटर में अगर 1 मोल एनएसएल डाल दिया दिखेगा वो कुछ नहीं दिखेगा, तो ऑलमोस्ट क्या है वो नेग्लिजिबल होता है, तो नेग्लिजिबल के लिए बोल देते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। तो जब कंसंट्रेशन जीरो होगी उसको एक्स्ट्रापोलेट करके निकाली, उसको क्या बोलते हैं एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ओके, सो ये वाली बात तो रही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे लिमिट जो कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी, हमारी जो ये वाली वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस को किसको अप्रोच करेगी, अपनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। ओके चलो, ये किसकी बात रही, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में। वीक वाले केस में क्या होता है, तुमने वीक में ये देखा, वीक में कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कितनी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू, कैसे निकाल सकते हैं इसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। इसको अगर आप एक्सट्रापोलेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो कोई इमेजिन नहीं करेगा इस लाइन का, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए फिर आते हैं हमारे पास कोलब्रुक लॉ। कोलब्रुक लॉ ठीक है, इस पर हम यूज करते हैं कोलब्रुक लॉ। अभी ना दो इंपॉर्टेंट थियरीज होती है हमारे पास, जो अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करी है, उसको एक्सप्लेन किसने करा है, डिवाइन हेपल थियरी ने। इसमें आते हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो एसिमेट्रिक इफेक्ट, एक होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट तो हमने ना ये तो देख लिया कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो डिक्रीज करेगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज क्यों कर रहे हैं वो हम कैसे करते हैं, वो आप इन दो से एक्सप्लेन कर सकते हो। एसिमेट्रिक इफेक्ट बेसिकली वही बात बोल रहे हैं जो मैं आपको अभी समझाई, कि जो Na+ जो है और Cl- यानी कि आपका कटायन और अनायन जो है विद डाइल्यूशन, उनके बीच में जो स्पेसिंग है, जिनके डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, इसके से क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वाला बोल रहा था इसमें एसिमेट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद करना इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इसमें बात हुई किसकी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की मतलब ये बोलता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ये है कि जो भी आपका कटायन होगा या अनायन होगा वो सॉल्यूशन में आपने डाल दिया, मालूम के आसपास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एक्चुअल में जैसे हमें दिख रहा है कि Na+ और Cl- ऐसे तो सॉल्यूशन में होंगे नहीं, उनके आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो अगर हम देखते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर अट्रैक्शन तो होगी ना, तो ऐसे बोल सकते हैं Na+ के आसपास इस तरह से कुछ लाया करेंगे। और यहाँ पे क्या है, Cl माइनस, मतलब बेसिकली बात ये है कि जो अपना कटायन अनायन जो है उसके आसपास क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हमें कंडक्टेंस करवाना है तो क्या होगा, कंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ आयंस, तो आयंस का फ्लो में करवाना है। तो आयंस के फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूव करें हमारे पास कटायन अनायन मूव करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इनके बीच में स्पेसिंग होती है कम, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है वहां पर, तो आयंस जो है वो पास पास में है। एक तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे एक्सप्लेन कौन करता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट, उसके बाद इसके साथ हाइड्रेशन जो हो रखा है अपना, जो सॉल्वेंट के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी, मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसके पास में है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस। बेसिकली क्या है, जैसे ये मूव करेगा तो उसका जो हाइड्रेटेड स्फीयर है जो आसपास के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी साथ में मूव करेंगे, इसकी वजह से उसकी जो स्पीड है और स्लो जाती है। तो जैसे ही डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये भी क्या करेगा, मतलब डाइल्यूशन के बाद ये भी स्पीडली मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये कौन बताता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये तो हो गया अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब ना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आता है हमारे पास कहां से आता है एक्सप्लेनेशन, की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है, तो वो आता है हमारे पास ऑस्मोल, ऑस्मोल डाइल्यूशन लो। इस लो से एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, उससे आप हमें पता चलता है कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एक्चुअली वो इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, हमारे पास कंसेंट्रेशन के, ऐसे आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी अल्फा की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ही कम होगी। ओके, उसके बाद ना हमने बोला था
कि वीक लेटलेट के केस में हम ऐसे ग्राफ से तो नहीं निकाल सकते एक्सट्रापोलेट करके, क्या करना पड़ेगा, कोलरोश लो लगाना पड़ेगा। तो भी देखते हैं कोलरोश लो क्या होता है। देखो इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन तो आपको मिल जाएगी कहां से, किसी भी बुक से। मैं बोलती हूँ केल कपूर रेफर करो, बहुत अच्छी बुक है। ओके अब ना ये वाली बात है किसमें होता क्या है बेसिकली। तो इसके ना इक्वेशन होती है, एक और जो इक्वेशन है ना ये सिर्फ यूनि यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होती है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होते हैं। यूनि यूनिवैलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो NaCl CaCl2 इसका एग्जांपल नहीं है। यूनि यूनिवैलेंट का मतलब होता है कैटायन के ऊपर भी प्लस वन चार्ज और एनायन के ऊपर भी, मतलब जो चार्ज मैग्नेटिक होता है वो वन होगा। यूनि मतलब वन होता है, इसमें भी प्लस वन चार्ज, इसमें भी माइनस वन चार्ज, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसका है, यूनि यूनिवैलेंट का, CaCl2 यूनि यूनिवैलेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ओके तो सिर्फ ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होते हैं हमारे पास ये वाली इक्वेशन। तो ना ये बोलता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ना स्टार्ट होगा यानी कंसेंट्रेशन जैसे डिक्रीज करनी स्टार्ट होगी ना, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐसी स्टेज आती है जहां पर जो आयन है हमारे पास, जो आयन है उसको अपने जो आसपास जो आयन होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ आयन्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो होता है ये है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है आयन्स के बीच में डाइल्यूशन होने की वजह से, तो कोई भी जो आयन होगा वो अपने जो साथ वाले जो नेबरिंग आयन्स होंगे उनके इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास कौन सा आयन हो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस वाले केस में जो सी कंडक्टेंस होगी इसमें डिपेंड करेगी सिर्फ उसके खुद के नेचर पर, जो कंडक्टेंस है वो सिर्फ उसके खुद के नेचर पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इट्स मतलब जिसमें आप आयन की बात कर रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, उसको आपका जो आसपास वाले आयन से उनसे कोई लेना देना होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ले कोई सॉल्वेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट AxBy, तो मान लो डिसोसिएट कैसे करता है, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस। अब यहां पर क्वेश्चन ये आया कि मैंने इसको कैटायन क्यों मान लिया, तो आपने देखा होगा हम जब भी कोई लिखते हैं कोई भी सॉल्ट लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं तो कैटायन पहले लिखते हैं, मान लो HCl है या मान लो NaCl है, NaOH है, तो सभी के CaCl2 है, Fe2SO4 सभी केसेस में क्या होता है हम कैटायन को पहले लिखते हैं, कैटायन जो होता है अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको हम पहले लिखते हैं ना, तो वहीं से हमने ये जनरलाइज कर दिया अगर ये ऐसा हो रखा है अगर तो हमारे पास ये कैटायन होगा ये अनायन होगा, इसलिए एक्स को पहले लिखा ये वाई इसका होगा और यहां से इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अगर मुझे निकालनी है मोलर कंडक्टेंस ऑफ AxBy एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगी, वो सिर्फ इन आयंस के खुद के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ए वाला जो ए प्लस है उसकी कंडक्टेंस को ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो ए प्लस को बी माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा इसकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड, सिर्फ इसके ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है एक आयन की, वैसे सुनो हम ऐसे निकालते हैं आयन वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक आयन की बात हमने करी कि हमारे पास जो ए वाई प्लस है उसका उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी वो हमने देख ली, लेकिन ऐसे हमारे पास कितने आयन होंगे एक्स, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो प्लस वाई इंटू ऑफ बी एक्स माइनस, इस तरह से हम निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यूज, ठीक है। जैसे मान लो CaCl2 भी निकाल लिया सपोज, तो क्या करेंगे डिसोसिएट कराएंगे कैसे, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहां पर अगर कंपेयर करूंगे इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है बस बना दो ऐसे वैल्यू, मतलब इक्वेशन पूरी बन जाएगी ऐसे करके। CaCl2 जो है इसकी इक्वल हो जाएगी 1 कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 इंटू
मोलर कंडक्टेंस ऑफ सीएल माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यूज। अब ना ये हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे ये आता है कि मैम आपने तो बोला था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं किसको, कोलरोस्लो को। अपने एग्जाम्पल किसका दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये वाला भी किसका है, कंप्लीट डिसोसिएशन करा दी, ये भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यूज कैसे करेंगे वीक के लिए, तो देख वीक का एग्जाम्पल सपोज एसिटिक एसिड, ये हमें ना इसकी निकालनी है वैल्यू, क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे अलग अलग यूज करते हैं किसको। मान लो हमने एक एचसीएल ले लिया, एक CH3COO, Na ले लिया, और ये ले लिया NaCl। देखो ये सारे क्या हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनकी वैल्यूज जो है हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी, इनको निकल जाएगी ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये। तो मानो यहाँ पे क्या है अपना ये NaCl, सपोज NaCl की अपनी ये वाली वैल्यू ग्राफ ऐसे बना होगा अगर सपोज, तो क्या होगा एक्सट्रापोलेट करेंगे निकालेंगे इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू, यानी यहां से हमारे पास क्या निकलेगी NaCl है ना, ये तो निकल गई। इसकी हम निकाल सकते, सबकी हम निकाल सकते, सारी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सबकी हम एक्स्ट्रापोलेट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। तो अगर हम बात करें HCl की, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिड की वैल्यू कितनी होगी, किसके लिए लिख सकते हैं उसको H प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरह से होंगे। ऐसे आप अगर से निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, इसकी हमें निकालना क्या होगा कटाइन कोलर कर दो, एन कोलर कर दो, अनायन कौन सा CH3COO माइनस, ठीक है। ऐसे ही इसके भी निकाल सकते हैं लिखे Na प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरह से होगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यूज। अगर मुझे चाहिए इसके लिए, तो अगर मुझे लिखना होगा तो इसमें CH3CO माइनस है हमारे पास आए और इसमें क्या H प्लस है, तो अगर मुझे इन दोनों की वैल्यूज मिल जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन की और मैं इसको ऐड करके इसके निकाल दूंगी, तो हमारे पास जो है हमें चाहिए H प्लस की वैल्यू है ना, तो H प्लस तो यहां से आ जाएगी, हमें चाहिए CH3CO माइनस की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ना मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तो पूरी की ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ वैल्यूज को, मान लो इसकी कुछ भी वैल्यू है एक्स, सपोज इसकी मान लेते हैं y है, तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दूं तो क्या होगा मेरे पास H प्लस की वैल्यू Cl माइनस की वैल्यू ये सारी क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी है ना, ये सारी क्या होंगी एड हो जाएंगी वैल्यूज। लेकिन मुझे तो सिर्फ इन दोनों से मतलब है CH3CO माइनस और H प्लस से, यानी सिर्फ मुझे इससे और इससे मतलब है, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो जो मुझे नहीं चाहिए होगा उसकी वैल्यूज को मुझे माइनस करवाना पड़ेगा, इसीलिए यूज करा गया है NaCl। हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए थी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे आराम से तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो इनको माइनस करेंगे। इसीलिए अगर मुझे निकालनी है एसिडिक एसिडिक एसिड वैल्यू, तो कैसे निकालूंगी मैं, इन दोनों को ऐड करके HCl प्लस CH3CO माइनस Na प्लस करके माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे अपना NaCl को, करके देखते हैं। तो मुझे चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड की वैल्यूज, तो वो हमने ये देख लिया। इसके हम एक काम कर सकते हैं, हमें चाहिए होगा एक तो ऐसा कोई सॉल्ट जिसमें ये आता हो, तो वो हमने ले लिया CH3COO माइनस Na प्लस, ठीक है ये वाला सॉल्ट हमने ले लिया। फिर कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसमें हमारे पास एच प्लस आता हो, तो हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कौन सा अपना HCl। अब यहाँ पे हुआ ये, अगर इनको ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा Na प्लस आ जाएगा साथ में और Cl माइनस आ जाएगा, उठाना पड़ेगा तो ऐसे माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू को NaCl की वैल्यू को, ठीक है। बस यही करना था आपको, जो भी इसकी वैल्यू आई उसको ऐड कर दो, यहां से वैसे कर सकते हो उसको लिख के आगे। Na प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस माइनस, अब देखो इसकी वैल्यू उसको माइनस कर देंगे,
ओवरऑल देखो ये सी एन माइनस सी वाली वाली पेंसिल एन एन प्लस से ई वाली वाली पेंसिल क्या बचा सिर्फ ये यही तो चाहिए था है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं हम वीक लेफ्ट लाइट की वैल्यूज इस तरह से निकालते हैं यूजिंग कॉलरोश लो और कॉलरोश लगे इसके ऊपर लगाते हैं एक्चुअली इनके ऊपर यूज करते हैं वीक लेफ्ट लाइट के लिए ठीक है। और ध्यान रखना जो इक्वेशन हमने लिखी थी ये वाली किस पे लगेगी यूनि यूनि वाले इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही लगेगी ठीक है। आगे देखते हैं अपना एक छोटा सा टॉपिक होता है ऐसे जनरल नॉलेज के लिए जो क्या है हमारा ग्रोटेस कंडक्टेंस इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना जैसे देख लो मैंने ले लिया सॉल्वेंट कोई भी वाटर ठीक है। तो अगर आप सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हो वाटर उस वाले केस में फिर इन जनरल जो होता है H प्लस की और OH माइनस की जो होती है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हाई होती है H प्लस और OH माइनस के केस में उसको एक्सप्लेन करते हैं कौन ग्रोटेस कंडक्टेंस। इसका मतलब ये होता है कैसे एक्सप्लेन करता है इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास वाटर सॉल्वेंट है तो वहां पर हमारे पास ये वाले आयंस होंगे तो इस वाले केस में क्या होता है प्रोटोन जंप। इसका मतलब क्या है कि जो H प्लस है ना वो H में से मूव नहीं करता मॉलिक्यूल्स के बीच में से वो क्या करता है H में ट्रांसफर होता है उसका चार्ज कैसे मान लो हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लिखा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास तो है ना सॉल्वेंट में ऐसे ऐसे करके जो सॉल्वेंट ही वाटर है तो बहुत सारे होंगे ऐसे करके इस तरह से है। तो क्या करना पड़ेगा मान लो एक ऐसे है तो क्या होगा जो H प्लस है ये मूव करना स्टार्ट होगा ऐसे करके यहाँ पे इसके पास आएगा ये इसका मूव करेगा ये ऐसे मूव करेगा तो बेसिकली प्रोटॉन जो है वो जंप करता है ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं क्या प्रोटॉन जंप। तो प्रोटॉन जंप का मतलब ये है कि जो अपना H प्लस है बेसिकली उसको आयंस के बीच में जाना नहीं पड़ रहा। अगर हम कंसिडर करते हैं किसका केस Na प्लस और Cl माइनस का सपोज करो आपने इसको डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर ठीक है सॉल्वेंट लिया वाटर उसमें एड कर दिया NaCl सॉल्ट तो क्या होगा अगर Na प्लस को मूव करना है अगर Na प्लस को मूव करना क्या करना पड़ेगा नीचे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं है ना और कुछ Cl माइनस भी होंगे ऐसे ऐसे करके वाटर भी होगा साथ में तो अगर इसको मूव करना पड़ेगा रास्ता बनाना पड़ेगा अपना यहां यहां से निकलिए कहीं ना कहीं से जाके है ना इसको बेसिकली मूव करना पड़ रहा है आइस के थ्रू जाके जब इसको क्या करना है सिर्फ इसको वाटर से वाटर क्या करना है ऐसे जंप करते जाना तो क्या होगा इसकी जो स्पीड बढ़ गई यानी कि कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ गई तो यहां से हमारे पास क्या होता है H प्लस जो होता है OH माइनस में भी होता है तो दोनों केस में क्या होगा प्रोटॉन जंप की वजह से मतलब डायरेक्टली क्या होता है ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे उसकी वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई ठीक है। उस वक्त यहां से इंपॉर्टेंट टाइम आती है कि स्पीड बढ़ गई है ना स्पीड वर्ड बोला मैंने तो जो आयन की स्पीड है ना वो भी डिसाइड करती है कितना करंट वो कैरी करके जाएगा। मतलब देखो मैंने ये तो बात हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि जो भी अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है आयन्स के फ्लो की वजह से होती है। तो जितनी स्पीड से कोई आयन फ्लो करेगा उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इन जनरल उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो यानी कि जो कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ आयन पे। आयन जितनी स्पीड से मूव करेगा उतनी क्या होगी उसकी स्पीड फास्ट होगी यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है क्या ट्रांसपोर्ट नंबर का। तो किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट वो कैरी करके लेके जाएगा यानी उतनी ही स्पीड क्या होगी उसकी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू उसका जो साथ वाला आयन जो नेबरिंग आयन होगा जैसे मान लो कैटायन की हम बात कर रहे हैं उसे कंपैरिजन में ज्यादा मूव करेगा। इसको हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। और तब तक ना एक बात ध्यान से सुनो मेरी सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने से कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में ना फिजिकल में आपको प्रैक्टिस की ज्यादा नीड होगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने देखा था कॉलरोश लॉ देखा है जो वेरिएशन देखा उसके ना बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे हर बुक में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना पता है क्या होता है अभी तो हम पढ़ लेते हैं फॉर्मूले ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन आया हमें पता है कौन सा लगने वाला है हमने लगा के देखा आंसर ही नहीं आ रहा जो हमें आंसर निकाले वो ऑप्शन में है ही नहीं तो ऐसे वाला होता है तो बहुत बुरा लगता है कि पढ़ने के बाद भी फॉर्मूला पता है फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका पता है रीजन क्या होता है हम सिर्फ फॉर्मूला देख के छोड़ देते हैं हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑर्गेनिक में भी एप्लीकेबल है इनऑर्गेनिक में भी एप्लीकेबल जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छा हो एग्जाम में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वाली वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।